गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी। आज के हम अपने इस क्लास में इंडिफरेंस कर्व टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इंडिफरेंस कर्व, जिसे कि हम हिंदी में तदृशता वक्र कहते हैं, तथा इसे हम आईसी से शो करते हैं। तदृशता वक्र, जिन्हें अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे उदासीनता वक्र, अनधिमान वक्र तथा समसंतुष्टि वक्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसका केवल एक नाम है जिसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, तथा आईसी के साइन से हम इसे शो करते हैं। इंडिफरेंस कर्व का क्या इतिहास रहा है, इंडिफरेंस कर्व क्या कहलाता है, इन सभी पर डिस्कशन करने से पहले हम यूटिलिटी एंड मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। यूटिलिटी यानी उपयोगिता और मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता की माप पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में संतुष्ट करने की क्षमता होती है, तो वस्तु में जो संतुष्ट करने की क्षमता होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे पानी हमारी प्यास को बुझाती है, तो पानी हमारे लिए उपयोगी है। उसी तरीके से भोजन हमारी भूख को शांत करती है, तो भोजन हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन एक बहुत ही डिबेट का टॉपिक है कि क्या उपयोगिता मापनीय है, क्या उपयोगिता मेजरेबल है। इसको लेकर इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा डिबेट है, और उपयोगिता मापनीय है या उपयोगिता मापनीय नहीं है, इसको लेकर दो विचारधाराएं हैं। एक है कॉर्डिनल अप्रोच, जिसे हम कहते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण, और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम कहते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण से बेसिकली प्रोफेसर मार्शल संबंधित है, और प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि हम उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से, न्यूमेरिक रूप से, क्वांटिटी के रूप में माप सकते हैं। इनका ये कहना है कि सपोज करें कि यदि कोई व्यक्ति एप्पल खाता है या ब्रेड खाता है या पानी पीता है, तो उसको पीने से उसे जो यूटिलिटी मिलती है उसे हम संख्यात्मक रूप से माप सकते हैं। इन्होंने आगे बताया कि जिस तरीके से हम हाइट को फिट में मापते हैं, वेट को केजी में मापते हैं, लिक्विड को लीटर में मापते हैं, ठीक उसी तरीके से हम यूटिलिटी को यूटिल्स नामक इकाई में माप सकते हैं। यूटिलिटी को हम यूटिल्स नामक इकाई में माप सकते हैं। और इनका आगे ये कहना है कि जो यूटिलिटी है क्वांटिटेटिव है, यानी परिमाणात्मक है, यानी हम इसे संख्या के रूप में माप सकते हैं। इसके विपरीत जो दूसरी विचारधारा है, जिसे हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं, यानी क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं, इस विचारधारा से प्रोफेसर हिक्स, प्रोफेसर एलन और प्रोफेसर सैमुएलसन रिलेटेड हैं। प्रोफेसर हिक्स, प्रोफेसर एलन और प्रोफेसर सैमुएलसन का कहना है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली ऑर्डर्ड, यानी उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, केवल इसे एक क्रम प्रदान किया जा सकता है, एक ऑर्डर दिया जा सकता है, एक नंबर दिया जा सकता है, इसे हम संख्या के रूप में एग्जैक्ट माप नहीं सकते हैं। इन्होंने बताया कि इसमें केवल हम ऑर्डर दे सकते हैं। दूसरी चीज है कि एक क्वालिटेटिव है, यानी हम क्या करते हैं उसके गुण के आधार पर हम एक क्रम प्रदान कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक व्यक्ति है जो सेब खाता है और वही व्यक्ति ब्रेड खाता है। अब सेब खाने से उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है और ब्रेड खाने से उसे कम यूटिलिटी मिलती है, तो हम यह कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए जो एप्पल है या सेब है वो फर्स्ट नंबर पे है और ब्रेड क्या है वो सेकंड नंबर पे है। यानी हम एक क्रम दे सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एग्जैक्ट माप नहीं सकते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, जिसे हम आईसी से शो करेंगे, ए कार्डिनल अप्रोच यानी क्रमवाचक ऑर्डिनल अप्रोच यानी क्रमवाचक दृष्टिकोण पर बेस्ड है। तथस्थता वक्र के इस टॉपिक में हम यह जानेंगे कि किस तरीके से हम उपयोगिता को क्रम प्रदान कर सकते हैं। अब तथस्थता वक्र क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करने से पहले हम तथस्थता वक्र के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो तथस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1881 में एजवर्थ नामक अर्थशास्त्री, कौन सा एजवर्थ नामक अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम दो व्यक्तियों के बीच हुए लेन देन का अध्ययन करने के लिए किया था। इसके बाद 1939 में
इसके बाद 1939 में दो अर्थशास्त्री प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर एलन ने इस पर और रिसर्च किया और दो वस्तुओं के बीच हुए लेन देन का अध्ययन करने के लिए तथस्थता वक्र का प्रयोग यानी इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग किया। और इसका पूर्ण रूप से जो प्रयोग किया गया वो प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर एलन के द्वारा किया गया। अब बात आती है कि तथस्थता वक्र कहते किसे हैं। तो तथस्थता वक्र एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, इक्वल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है। अब तथस्थता वक्र को बनाने से पहले हम तथस्थता वक्र की कुछ मान्यताओं पर चर्चा कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मान्यताएं हैं जिसको आधार मानते हुए हम तथस्थता वक्र को बना सकते हैं। तो इसमें पहली जो मान्यता है वो है कि कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए, रैशनल यानी कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उसे विवेकशील होना चाहिए। विवेकशील होने का मतलब है कि वो मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो और उसका जो लक्ष्य हो, लक्ष्य होना चाहिए कि दिए गए मुद्रा पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य रखता हो। दूसरा इसका मान्यता है कि टू गुड्स होनी चाहिए, कितने गुड्स होने चाहिए, टू गुड्स होने चाहिए यानी दो वस्तुएं होनी चाहिए। तीसरी मान्यता है कि जो दो वस्तुएं हैं वो समरूप होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई वस्तु बहुत बड़ी है कोई वस्तु बहुत छोटी है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। दोनों वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। इसके तीसरी जो एजम्पशंस है, तीसरा एजम्पशंस ये है कि जो दिए गए गुड्स हैं उनके जो प्राइस हैं, वो क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, उनके प्राइस जो होने चाहिए स्थिर होने चाहिए। तीसरा है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का जो इनकम है, इनकम भी क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगला इसका अजम्पशंस है कि जो कंज्यूमर है उसे एकदृष्ट होना चाहिए। एकदृष्ट होने का मतलब यह है कि अगर एक समय में एक कंज्यूमर एप्पल को प्रेफरेंस दे रहा है तो दूसरे समय में वह ब्रेड को प्रेफरेंस ना दे बल्कि वो एप्पल को ही प्रेफरेंस देना चाहिए। इन कुछ मान्यताओं के आधार पर हम तथस्थता वक्र को समझेंगे। अगला, अब तथस्थता वक्र की जो हम रचना करेंगे उसकी रचना से पहले हम देख लेते हैं कि तथस्थता अनुसूची क्या होती है, किस आधार पर हम इसकी रचना करें। तो तथस्थता अनुसूची क्या होती है, तो तथस्थता अनुसूची एक प्रकार की तालिका होती है, एक प्रकार का टेबल होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अब बात हो गई कि हम आईसी शेड्यूल यानी तथस्थता अनुसूची किसे कहते हैं। अब हम तथस्थता अनुसूची को एक बार बना के समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे एक कॉलम कॉम्बिनेशन का बना हुआ है जिन्हें हम संयोग कहते हैं, दूसरा कॉलम गुड्स वाई और तीसरा कॉलम गुड्स एक्स का है। गुड्स वाई के रूप में हमने एप्पल को मान लिया, कोई भी वस्तु ले सकते हैं। गुड्स एक्स के रूप में हमने ऑरेंज को ले लिया, आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एक पूरे टेबल में ये दिखाया जा रहा है कि जो कंज्यूमर है वो अपने कॉम्बिनेशन यानी संयोग को दिखाता है और पांच प्रकार के संयोग बना के एक दिखाने का कोशिश करता है कि इन सभी कॉम्बिनेशन में आप मुझे कोई भी संयोग दे दीजिए, किसी भी संयोग पर, किसी भी कॉम्बिनेशन पर आप हमें खड़े कर दीजिए, हमें क्या होगा वहाँ पे समान संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर पहला इसका कॉम्बिनेशन है कि 15 एप्पल एंड 1 ऑरेंज के खाने पर हमें क्या होगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके बाद वो अपना दूसरा कॉम्बिनेशन बताता है कि इस बार हमें क्या करना है कि अपने एप्पल की क्वांटिटी को कम करना है। एप्पल की क्वांटिटी को कम करके कितना कर देता है, 11, और इसके बदले में वह 1 ऑरेंज को बढ़ा देता है, यानी 1 ऑरेंज को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब वो अगला कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है कि 11 और 2 का रहेगा, यानी 11 एप्पल और 2 ऑरेंज देने पर भी मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगला कॉम्बिनेशन वो बता रहा है कि अब हम क्या करेंगे, 8 एप्पल और 3 ऑरेंज के साथ भी हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगला कॉम्बिनेशन बताता है कि 6 एप्पल एंड 4 ऑरेंज पर भी हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगला एक कॉम्बिनेशन और देख लेते जो बताता है कि 5 एप्पल एंड 5 ऑरेंज पर भी हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि किस तरीके से घट रहा है और किस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसके लिए एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर।
सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यानी आप एक देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वस्तुएं हैं यहाँ सबस्टिट्यूट हो रही है, यहाँ पर वस्तुएं क्या हो रही है, सबस्टिट्यूट हो रही है। सबस्टिट्यूट होने का मतलब यह है कि पहले 1 और 15 और 1 का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद क्या होता है कि 4 एप्पल कम करता हो, 4 एप्पल कम करके वह 1 ऑरेंज को पाना चाहता है, 4 एप्पल को कम करने के बाद वह 1 ऑरेंज को पाना चाहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उसकी छोड़ने की दर है कि 4, जिसे हम सीमांत प्रतिस्थापन के कॉलम को देख लेते हैं, जिसे हम MRS कहते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन क्या होता है इसे भी हम समझेंगे। MRS XY को देख लेते हैं, इसमें पहले में तो हमें नहीं पता कि उसने क्या छोड़ा और क्या लिया, तो एक कॉम्बिनेशन दिया गया 15 और 1 का, जैसा का तैसा हम छोड़ देंगे। अब अगले में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर उसने क्या किया, एप्पल की क्वांटिटी को कम किया है। एप्पल की क्वांटिटी कितनी कम की है, तो 4 के बराबर कम की है, और 4 के बराबर कम करके उसने ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी को बढ़ाया है, 1 क्वांटिटी को बढ़ाया है, 4:1 कर सकते हैं। अगले में हम देख रहे हैं कि 11 से 8 पे आ रहा है, यानी कितना उसने कम किया, 3 के बराबर कम किया, और यहाँ पर ऑरेंज कितना बढ़ाया, सेम 1 बढ़ाया। अगले कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि 8 से 6 पे आता है, यानी यहाँ पे कितना कम किया, 2 के बराबर कम किया, और ऑरेंज को कितना बढ़ाया, 1, सेम 1 बढ़ाया। अगला कॉम्बिनेशन है 6 to 5 आया, यानी यहाँ पे क्या किया इसने, 1 एप्पल को छोड़ा, और क्या पाने के लिए, 1 ऑरेंज को पाने के लिए उसने क्या किया, 1 एप्पल को छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई है, उस एक्स एंड वाई है, ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है। 4, 3, 1, 4, 3, 2, 1, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की क्वांटिटी हमारे पास बढ़ती जाती है, तो उसके प्रति जो हमारी अट्रैक्शन होता है, या यूँ कहिए कि हमारी जो उसको लेके हमारा सेटिस्फेक्शन होता है, वो कम होता जाता है। यानी जब उसके पास एप्पल ज़्यादा था और ऑरेंज कम था, तो कंज्यूमर यहाँ पे क्या कर रहा है, एप्पल को हटाना चाह रहा है और ऑरेंज को पाना चाह रहा है, क्योंकि एप्पल उसके पास क्या है, ज़्यादा है और ऑरेंज कम है। लेकिन एक चीज़ आप और नोट करेंगे कि जैसे जैसे वो एप्पल को छोड़ रहा है और ऑरेंज को पाना चाह रहा है, तो एप्पल के छोड़ने की जो दर है वो क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है। यानी अब उसके पास एप्पल भी कम होता जा रहा है, तो एप्पल के प्रति भी उसकी लालच क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरी तरफ ऑरेंज को पाना चाह रहा है, तो ऑरेंज के बदले वह एप्पल की क्वांटिटी को क्या करता है, कम करता है। तो इसके कारण ही क्या हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या हो रही है, घटती हुई है। अब हम यहीं पर यह जान लेते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर वह दर होती है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करता है। इसे हम फॉर्मूले के रूप में इस तरीके से लिखते हैं, MRS XY बराबर डिक्रीज इन गुड्स वाई एंड इंक्रीज इन गुड्स एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो गुड्स वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है, 15, 11, 8, 6, 5 डिक्रीज हो रहा है, एंड गुड्स एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 इंक्रीज हो रहा है। अब आपको लगेगा कि ये रेशियो 4 और 1 के हिसाब से कैसे आया, तो इस फॉर्मूले पे यदि हम पुट कर ले तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि यहाँ पे कितने का किस दर से छोड़ा है, 4, और बाई में क्या हो जाएगा, 1, इक्वल में क्या हो जाएगा, 4। यानी हम जब इसे करेंगे तो 4 टाइम में जाने के बाद ये क्या होगा, 4 आएगा। तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1। तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो गया कि MRS क्या होता है, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर वह दर होती है जिस पर उपभोक्ता वस्तु X, अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वस्तु X को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वस्तु Y की कुछ कुछ इकाइयों को क्या करता जाता है, वो परित्याग करता जाता है। तो इसे हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन को शॉर्ट में हम MRS कहते हैं। एक्स वाई यहाँ पे गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई को शो कर रहा है। MRS गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई क्या है, को फार्मूले के रूप में हम लिखते हैं कि डिक्रीज इन गुड्स वाई एंड इंक्रीज इन गुड्स एक्स। अब इतनी चीजें क्लियर होने के बाद आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, और अगला हमारा क्या है कि हम तथ्यता वक्र की रचना कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी वक्र बनाने के लिए हम 2 लाइन खींचते हैं, एक खींचते हैं वर्टिकल लाइन जिसे हम क्या करते हैं, ओ वाई से शो करते हैं, और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जिसे हम ओ एक्स से शो करते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हमने गुड्स एक्स को शो किया, गुड्स एक्स हमारा क्या है, ऑरेंज है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया।
ओ वाई एक्सिस पर हमने गुड्स वाई को शो किया और गुड्स वाई हमारा क्या है, एप्पल है, हमने उसे शो कर दिया। उसके बाद हमने नंबर को डाल दिया, जैसे हमारे जो गुड्स एक्स हैं 1 2 3 4 5 हैं, लिख दिया हमने। और यहाँ पे गुड्स वाई को हमने 3 6 9 12 और 15 के रेशियो में ले लिया। इसके बाद हमने क्या करते हैं, इसमें क्या है कि जब हमने एप्पल के 15 लिया क्वान्टिटी, एप्पल की कितनी है 15 क्वांटिटी होने पर, ऑरेंज की कितनी है 1, तो 1 और 15 के बीच में एक लाइन को हमने बना दिया, यानी एक पॉइंट हमें यहाँ पे क्या मिल गया, कौन सा कॉम्बिनेशन मिला, कॉम्बिनेशन ए मिल गया। दूसरे कॉम्बिनेशन को हम दर्शाते हैं, तो दूसरे कॉम्बिनेशन में 11 हमारा है कुछ यहाँ आ जाएगा, 11 पे हमें यहाँ मिलेगा और एक कॉम्बिनेशन हमारा आ जाएगा बी। तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा है 8 का जो यहाँ आएगा, हमने आपको समझने के लिए सीधा सीधा खींचा था, अब मैं आपको समझा रही हूँ जो यहाँ आएगा इस तरीके से आएगा। कॉम्बिनेशन क्या मिल गया हमें, सी मिल गया। अगला कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, 6 का है, 6 में हमने इसे बना दिया और 6 का कॉम्बिनेशन क्या हो गया हमारा, डी, डी के सामने 4 का है, ठीक। और 5 पे 5 का है, 5 पे 5 का है जो ऊपर की ओर थोड़ा जाएगा और ऐसे बनेगा, ठीक। इस तरीके से अब हम इस लाइन को मिटा देते हैं, अब हम इस लाइन को मिटा के क्लियर कर देते हैं। अभी हमने सीधा सीधा इसलिए बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हमने इस लाइन को मिटा के अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, 6 की जगह 6 है, 9 से नीचे हम आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, 15 का 15 पे, यानी 2 का। यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से हम रेशियो को लेते हैं, तो हमने 3 के रेशियो में लिया लेकिन डिफरेंस को हमने नीचे लगा दिया, तो हमें यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन मिल गया। और हम इस लाइन को जब मिला देंगे, जो हमें ए बी सी डी ई का कॉम्बिनेशन मिला है, जब इन सभी को आप मिला के रेखा खींचेंगे, तो जो रेखा खींचेंगे इसे ही क्या कहा जाता है, इनडिफरेंस कर्व, जिसे हम आई सी से क्या करते हैं, शो करते हैं। तटस्था वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो तटस्था वक्र होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, तो हम आपको यहाँ क्लियर करना चाहते हैं कि तटस्था वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ इसलिए होता है कि यहाँ पर जो एम आर एस होती है वो गिरती हुई होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गिरते एम आर एस या गिरते सीमांत प्रतिस्थापन के दर के कारण जो तटस्था वक्र होता है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि तटस्था वक्र का आकार कैसा होता है, तो हम जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है, होता है कि तटस्था वक्र जो होता है वो आयताकार अति परवलय होता है और तटस्था वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है, इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और ये सभी टॉपिक जो है वो आपका इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी तटस्था वक्र की विशेषताओं में क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हम केवल तटस्था वक्र क्या है, तटस्था अनुसूची क्या है, तटस्था अनुसूची कैसे तैयार की जाती है, तटस्था वक्र क्या होता है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम तटस्था वक्र की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है, तटस्था वक्र एक दूसरे को काट क्यों नहीं सकते हैं, तटस्था वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, तटस्था वक्र क्या एक्स आकार का हो सकता है, तटस्था वक्र क्या एल आकार का हो सकता है, इन सभी टॉपिक पर चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व वाले वीडियो टॉपिक पर जब हम चर्चा करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर करते हुए हम समझेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको और बतानी है कि आईसी मैप क्या होता है, यानी इनडिफरेंस कर्व जो होता है, इनडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है, यानी तटस्था वक्र मानचित्र क्या होता है। तो जब एक ही तटस्था वक्र पर अनेक चित्र बन जाए, यानी एक है इसकी जगह कई और बन जाए तो इसे हम कहते हैं तटस्था वक्र मानचित्र, इसे आईसी 1, IC2, IC3, IC4 करके जब कई तथस्ता वक्र एक ही चित्र में आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, तथस्ता मानचित्र कहते हैं। परिभाषा के रूप में हम कहते हैं कि तथस्ता वक्र के परिवार को हम क्या कहते हैं, तथस्ता मानचित्र कहते हैं। तथस्ता वक्र का परिवार हुआ IC1, IC2, IC3, IC4, यानी जब एक ही जो हमारा कर्व है
करो क्या कहे, जब हम दो लाइन के अंदर में कई इंडिफरेंस करो बना दे तो उसे हम क्या कहते हैं, तथस्थता मानचित्र कहते हैं। और तथस्थता मानचित्र किसे कहते हैं, तो तथस्थता वक्र के परिवार को हम तथस्थता मानचित्र कहते हैं। तो हमने आज सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हमें क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।